नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए हम आपको ले चलते हैं एटा की एक अनूठी पहल की ओर। खबर एटा शहर की बदहाल स्वच्छता, बढ़ते प्रदूषण, समाप्त होती हरियाली को लेकर शहर के युवाओं ने नगर में बनी दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाकर जनता को जागरूक करने का साहसिक निर्णय लिया है। इसी क्रम में नगर के रोडवेज बस पर लिखा स्लोगन धरती माँ एक मंदिर है नहीं है कूड़ेदान काफी चर्चित हो गया है। अभी इस प्रकृति बचाओ क्लब में 19 सहभागी है जिनमें अधिकांश छात्र छात्राएं हैं। उनको इस कार्य की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देश के नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तभी उनका नगर, प्रदेश और देश का विकास हो सकेगा। अभी यह संगठन सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव इन्वायरमेंट के स्लोगन जन जागरूकता के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्र में दीवार पर पेंटिंग बनाकर संदेश पहुंचाने का नैतिक कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का ये अनूठा कदम काफी चर्चित हो रहा है और जल्द ही इस प्रकृति रक्षा के पुनीतकार में बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ाव होगा। छात्रा देवांशी व छात्रा प्रियदर्शी यादव ने इस मुहिम को कोविड-19 महामारी से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। वहीं अन्य बाहरी लोगों की नजर में एटा को एक गंदगी से पूर्ण नगर की छवि से सुंदर और स्वच्छ नगर बनाने की मुहिम भी बताया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रियदर्शी यादव है, मैं NIT इलाहाबाद की बीटेक स्टूडेंट हूँ और मेरा होम टाउन एटा है। अभी पेंटिंग का कार्यक्रम हो रहा है, ये आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये पेंटिंग का कार्यक्रम बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि एटा में कितना वॉल्स पड़ी है जो इतनी गंदी है। कहते हम सब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो गंदा है, ये गंदा है, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो हम लोगों ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है टू चेंज आवर वॉल्स, टू चेंज आवर सिटी। कितने मेंबर हैं आपके? मेंबर्स तो अभी बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ऐड हो रहे हैं अराउंड 90 हैं अभी फिलहाल। कहाँ कहाँ पेंटिंग करी आपने? हमने यहीं से स्टार्ट किया है, आगे वाली वॉल पर किया है हमने एक पेंटिंग और क्या पेंटिंग बनाई? वहाँ पर हमने बेसिकली कार्टून्स बनाए हैं और अभी हम ग्रीनरी से रिलेटेड, टू सेव एनवायरनमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं और अभी जो बना है वो प्रोटेक्ट अर्थ का सिंबल डिनोट कर रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बस यही संदेश है कि अगर आप लोग चेंज चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। जस्ट टू से कमेंट से कि कुछ अच्छा नहीं है एटा में, से कुछ नहीं होना है, बस आपको उसके लिए आके थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। दैट्स इट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवांशी यादव है। देवांशी यादव जी, ये बताइए, आज पेंटिंग का कार्यक्रम जो हो रहा है क्यों कर रहे हैं आप? हमने एक टीम बनाई है बच्चों ने मिलकर, जिसका नाम है टीम एम्पावर एटा, जिसके अंदर हम लोग अवेयर करते हैं रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि जो अभी हमारा करेंट पैंडमिक चल रहा है जैसे कि कोरोना वायरस, उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प होगी। तो हम वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए, एक तो हमारा दो मोटिव है कि हम अपने शहर को अट्रैक्टिव और सुंदर बना रहे हैं, दूसरा ये कि स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, रिस्पांस मिलता है, तो लोगों को लगता है कि बच्चे काम कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय कार्य है और अप्रिशिएट भी करते हैं हमें। हम अभी पेंटिंग्स बना रहे हैं, हमने काफ़ी जगह पेंटिंग्स बना चुके हैं, अभी हम लिख रहे हैं प्रोटेक्ट अर्थ, मतलब कि हमारी अर्थ की आप प्रोटेक्ट करिए, जैसे कि जिसमें हम दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन भी बहुत होता है, उस चीज़ से हमें कम करना चाहिए और सेव वाटर एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो हमने एक बस स्टैंड पे बनाई है जिसमें हमने लिखा है धरती माता एक मंदिर है कूड़ादान नहीं। और भी पेंटिंग्स हमने बनाई है, जैसे कि क्लीन सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम यू, कि अगर आप चाहेंगे तो हमारा शहर सुंदर बन सकता है। बस हमारा जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा मोटो है ये, कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप चेंज ला सकते हैं और ये पॉसिबल है। लोगों को बस ये चाहिए कि कोई उठ के आगे आए और लोग साथ देते हैं फिर पीछे। अगर हम टीम बनाई है यूथ ने, क्योंकि यूथ में बहुत पावर होती है चेंज लाने की ऑब्वियसली, तो हमने जब ये टीम स्टार्ट करी है तो धीरे धीरे काफ़ी लोग आए, अभी हमारे पास मोर देन 45 मेंबर्स हैं हमारी टीम। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अवेयर हों और इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें, कि सफाई रखना अपने सिर्फ घर की आवश्यकता नहीं है, पूरे आसपास का वातावरण भी साफ रखना चाहिए।